You know what I'm saying? Yeah. It's really easy. It's really easy if you think about it. Hello and welcome back to this channel guys. मैं हूँ सबीहा गोकचैन एयरपोर्ट तुर्की में इस्तांबुल और मैं जा रहा हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन अगली कंट्री में। आज है 12 तारीख। सुबह से मैं यहाँ पर आ गया था क्योंकि मैंने आज का होटल बुक नहीं करवाया था। मैं कल था फेथिये में जो यहाँ से इस्तांबुल से 13 घंटे की दूरी पर है बस से। मैं सारी रात जर्नी करके यहाँ पर आया। सुबह से मैं हॉस्टल में गया था लेकिन मैंने चेक इन नहीं किया। ब्रेकफास्ट करके रेडी होके मैं यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर ही मैं 2-3 घंटे सो गया था। हाँ जी, बोर्डिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट लेने के लिए नेक्स्ट कंट्री। वहाँ पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ। See, this is my boarding pass and I am going now. F है मेरी सीट। देखते हैं कौन सी मिलेगी। विंडो सीट मिल जाए तो अच्छा है। इंडिया से जब आया था तो विंडो सीट थी और कज़ाकिस्तान से जब मैं तुर्की को आया था तो भी विंडो सीट थी। अभी भी विंडो सीट मिल जाए तो अच्छा है। 27F अभी तो 2 ही आया है। 27 बहुत आगे है भाई। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी विंडो सीट आई है क्योंकि F जैसे यहाँ पर लिखा है F विंडो की साइड बना हुआ है और मेरी है 27F मीन्स विंडो सीट आई है। मज़े आ जाएंगे अगर विंडो सीट हुई तो। मज़ा आ जाता है विंडो से बाहर देखते हुए। लेकिन अभी तो चलो अंधेरा है, नाइट की फ़्लाइट है, चलो फिर भी अच्छा लगेगा बाहर देखते हुए। और ये है अपनी 27F विंडो सीट। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जब इंडिया से कज़ाकिस्तान आया था तो भी विंडो सीट, कज़ाकिस्तान से तुर्की आया था तो भी विंडो सीट, अभी तुर्की से नेक्स्ट कंट्री जा रहा हूँ तो भी विंडो सीट। ये होती है ना किस्मत। मज़ा आ गया, मज़ा। अब लैंड हो चुकी है स्टैनस्टेड लंदन एयरपोर्ट पर। बहुत ठंड है इसलिए मैंने जैकेट निकाल के पहन ली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से लंदन सिटी की ओर जहाँ पर मेरा होटल बुकड है। इस्तांबुल से 3.5 घंटे की फ्लाइट थी। सबसे पहले अपना लगेज लेंगे, वहाँ पर लगेज क्लेम करेंगे और जाएंगे एयरपोर्ट से बाहर। सबसे पहले मैं देखूँगा कि कैसे चीप प्राइस में यहाँ से लंदन जाया जाता है सिटी सेंटर। बैगेज रिक्लेम और नीचे कंट्रोल। अच्छा, काफ़ी दूर है मतलब यहाँ से जो पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस है, जहाँ पर एंट्री की स्टैंप लगेगी पासपोर्ट के ऊपर। बहुत बड़ा है इसके लिए। ओके, 3 मिनट का सफ़र है यहाँ से पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस के लिए, जहाँ पर एंट्री की स्टैंप लगेगी कि वेलकम टू लंदन। ये मेट्रो के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस। इसका मतलब काफ़ी बड़ा है एयरपोर्ट स्टैनस्टेड लंदन का। जो हीथ्रो है शायद वो इससे भी बड़ा होगा, लेकिन जो तुर्की से फ़्लाइट्स आती थी वो यहाँ पर ही आती थी, इसलिए मैं स्टैनस्टेड में आया। और अभी पासपोर्ट पर स्टैंप करवाने की बारी है, उसके बाद हमारा बैगेज क्लेम होगा। दिस इज़ माई वीज़ा ऑफ यूके एंड दिस वाज माई बोर्डिंग कार्ड जो मैंने मशीन से प्रिंट किया था, इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ पर अभी पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस में आके यहाँ पर हमने एंट्री की स्टैंप लेनी है और सुनना है वेलकम टू लंदन। उसके बाद जाएंगे सिटी। हाँ जी गाइस, पासपोर्ट ऑफिसर ने स्टैंप कर दिया है पासपोर्ट को। दिस इज़ अभी बैगेज क्लेम करने जाना है हमारा। कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, बस पूछा क्या करने आए हो, कितने दिन स्टे करोगे, कहाँ स्टे करोगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, इंडिया में क्या करते हो, व्हाट यू डू फॉर लिविंग एंड आपका कोई फ्रेंड तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई रिश्तेदार, तो मैंने कहा नहीं है, तो दैट्स इट। उन्होंने स्टैंप कर दिया और बोला कि आप आयरलैंड भी जाओगे, मैंने कहा हाँ जाऊँगा, आयरलैंड स्कॉटलैंड भी जाऊँगा। तो खुश हो गए और स्टैंप कर दिया, कुछ भी नहीं पूछा। और ना मेरी टिकट देखी, ना कोई कोविड का सर्टिफिकेट देखा, ना कोई मेरी इंश्योरेंस देखी, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास का ये जो टुकड़ा पड़ा था ये मैंने दोनों चीज़ दी थी बस, और कुछ भी नहीं लिया। अभी मुझे अपनी फ़्लाइट ढूंढनी है जहाँ पर मेरा बैगेज आएगा। बैग लेके फिर जाते हैं बाहर, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको। सो आई गॉट माई बैग, हमारा बैग मिल चुका है सही सलामत। और अब हम जाएंगे बाहर। बाहर घर से बाहर तो आ गए, अभी एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे। लेट भी बहुत हो चुका हूँ, दिन नहीं है रात है, रात के 12 बज चुके हैं यहाँ पर, और इंडिया में तो 4 बज चुके होंगे सुबह के। सुबह बताऊंगा कि पहुंच गया था, मैसेज छोड़ देता हूं, अपने आप सुबह उठ के देख लेंगे। अभी मुझे जाना है बाहर, तो देखते हैं कैसे यहाँ से लंदन सेंट्रल में जाना है, सेंट्रल सिटी में। यहाँ से ये मशीन से मुझे दिख रहा है कि लंदन लिवरपूल स्ट्रीट के लिए 12:30 बजे की ट्रेन जाएगी प्लेटफॉर्म 3C से, और वहाँ से दोबारा आगे मुझे जाना पड़ेगा, लिवरपूल तक ही जाएगी है। चला पहले देखना पड़ेगा कि जाना कैसे है, कोई कार्ड वगैरह बनाना है या ऐसे ही जाएंगे। ये अच्छी बात है कि फ्री पानी पी सकते हैं आप यहाँ पर, तुर्की की तरह नहीं हर जहाँ जाके भी आपको पानी ख़रीदना पड़ेगा। जहाँ मर्जी आप चले जाओ, रेस्टोरेंट चले जाओ, वहाँ पर भी पानी ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पर आप पानी भर भी सकते हो अपने लिए, लेकिन अभी मेरे पास बोतल नहीं है, तो पानी पी के काम चलाते हैं। मैंने यहाँ पर लड़के से पूछा है कि कैसे जाना है, तो उसने बोला कि यहाँ से आपको कार्ड परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन मशीन्स बंद है क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है रेल्स की, 3 जून तक स्ट्राइक है। लो भाई, इंडिया की तरह यहाँ पर भी स्ट्राइक हो गई ट्रेन्स की। अभी कैसे जाएंगे बबुआ? ये जाती है लिवरपूल तक, A9 बस जाएगी, A9। फिर कैसे चलांगे, कैसे चलांगे? चलो पहले बाहर जाते हैं फिर देखते हैं। बस भी बुक हो सकती है, लेकिन बस आई थिंक एक्सपेंसिव होगी, बाकी देखते हैं। A9 बस जाएगी स्टैंडसेड एयरपोर्ट से लिवरपूल तक, और वहाँ से आगे थोड़ा सा रह जाएगा, फिर देखेंगे कैसे जाना। ये मशीन तो चल रही है, लेकिन पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, इसलिए पहले बाहर चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। का 3:30 बज चुके हैं। स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से मैं लंदन लिवरपूल स्ट्रीट्स इस ट्रेन में आया हूँ। वहाँ पर मैं सारी मशीन्स पर ट्राई कर चुका था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि स्ट्राइक चल रही है ट्रेन्स की, और ट्रेन का कार्ड नहीं बन रहा, इसलिए वहाँ 3-4 लड़के थे, वो भी आ रहे थे ट्रेन से, तो वो बोल रहे थे कि ये बहुत हो रहा है स्ट्राइक, शायद सैलरी वगैरह को लेके, और जब तक स्ट्राइक चलता है कोई भी कार्ड नहीं बनता, इसलिए अगर आपने ट्रैवल करना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो वो भी ऐसे ही आ गए, तो मैं भी ऐसे ही आ गया फ्री में। अभी यहाँ से एक बस है, चल भी सकता हूँ थोड़ा सा, 5 किलोमीटर है, लेकिन नींद बहुत आ रही है इसलिए चलूँगा नहीं। यहाँ से बाहर निकल के एक बस है, £2 के आसपास उसका लगेगा प्राइस, होटल के नियर बाई जाने के लिए, तो बस लूँगा। डबल-डेकर बस है यहाँ से। अभी जाते हैं यहाँ से बाहर, फिर बस लेके जाता हूँ अपने हॉस्टल की ओर। मैं स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से लिवरपूल स्ट्रीट्स तक ट्रेन में आया हूँ, वहाँ से तो कोई कार्ड नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर बाहर निकलते हुए ऑफिशियल्स खड़े हैं। 21.9 पाउंड्स मेरे लगे हैं, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2300-2400 रुपया इंडिया का। फिर मैं जा रहा हूँ 35 नंबर बस लेने, डबल डेकर बस है जो मुझे मेरे हॉस्टल तक लेके जाएगी। 1.90 अप्रॉक्सीमेटली पाउंड्स का रेंट आ रहा है ऑनलाइन जब मैंने देखा बस का। अभी जा रहा हूँ बस ढूंढने, 35 नंबर बस है। Take it to the bank, pulling rank, pouring, drink, filling up the tank.